वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधा कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के पूजन विधि शुभ मुहूर्त के बारे में। हर पक्ष में प्रदोष का व्रत किया जाता है। एक महीने में दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष दूसरा शुक्ल पक्ष, और हर पक्ष में त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। इस दिन सभी भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए भगवान शिव की उपासना आराधना करते हैं। इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रदोष व्रत को हिंदू धर्मों में सबसे शुभ व महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की उपासना की जाती है। प्रदोष व्रत माह की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार प्रत्येक माह की दोनों पक्षों की त्रयोदशी के दिन संध्या काल के समय को प्रदोष काल कहा जाता है और उसी समय भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष का व्रत रखा जाता है, उनका पूजन किया जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के सुख व समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत को रखने से दो गायों का दान देने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक तथ्य सामने आता है। एक दिन जब चारों तरफ अधर्म की स्थिति होगी, अन्याय और अनाचार का अधिकार होगा, मनुष्य में स्वार्थ भाव अधिक होगी, व्यक्ति सत्कर्म करने के स्थान पर नीच कार्यों को अधिक करेगा, उस समय जो व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत रख भगवान शिव की आराधना करेगा उस पर भगवान भोलेनाथ अपना कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के फेरों से निकलकर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है और उसे अंत समय में उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। श्रद्धा के अनुसार स्त्री और पुरुष दोनों यह व्रत करते हैं। इस व्रत से कई दोषों की मुक्ति तथा संकटों का निवारण होता है। यह व्रत सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाला है। प्रदोष व्रत करने वाले को दिन भर व्रत और उपवास रहना चाहिए। प्रदोष व्रत करने वाले को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए और भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए उनका ध्यान करें और मन में संकल्प लें कि हे प्रभु, हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं आपके प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से मन में संकल्प करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें। इस दिन दिन भर व्रत उपवास रहे। अगर उपवास न रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करें। इस दिन भगवान शिव के नाम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते हुए रहना चाहिए और प्रदोष काल के समय, प्रदोष काल संध्या काल जब सूर्यास्त होता है उससे 72 मिनट पहले का समय प्रदोष काल का समय होता है। प्रदोष काल का समय शाम 4:30 से शाम 6:30 तक का समय प्रदोष काल का होता है। इस दौरान भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। दिन भर उपवास रहने के बाद शाम प्रदोष काल से पहले स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और भगवान शिव के मंदिर में नहीं तो घर पे ही भगवान का प्रतिमा रख करके फोटो रख के भगवान का विधिवत पंचोपचार या खोडसोपचार पूजन विधि के द्वारा उनका पूजन करें। एक शुद्ध जगह ले, वहां उस जगह को पवित्र करें, रंगोली बनाए, वहां पे भगवान का आसन लगा कर भगवान का मूर्ति या फोटो रख करके आप कुशा का आसन का प्रयोग करें और वहां बैठ करके भगवान का विधिवत पूजन करें। सबसे पहले तो भगवान को जल से उनका अभिषेक करें, उसके बाद पंचामृत से अभिषेक करें, फिर शुद्ध गंगा जल चढ़ाए भगवान के ऊपर, उसके बाद भगवान भोलेनाथ को वस्त्र चढ़ाए, उसके बाद भगवान भोलेनाथ को यज्ञोपवीत अर्पण करें, भगवान को अक्षत चढ़ाए, चंदन चढ़ाए, पुष्पों की माला चढ़ाए, पुष्प चढ़ाए,
भगवान के ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाए। बिल्व पत्र चढ़ाते समय बिल्व पत्र पे राम का नाम लिख ले तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। बिल्व पत्र चढ़ाते समय इस मंत्र का प्रयोग करें तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। इस मंत्र के द्वारा भगवान भोलेनाथ को बिल्व पत्र अर्पित करे तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। बिल्व पत्र चढ़ाने से तीन जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान को भांग धतूरा आदि चढ़ाए, भगवान को भस्म अति प्रिय है तो भगवान भोलेनाथ को भस्म चढ़ाए। महिला भस्म सफेद वाला नहीं चढ़ा सकती हैं तो आप पीला वाला एक भस्म आता है गीला, वो भस्म आप भगवान को चढ़ाए। उसके बाद भगवान को धूप और दीप दिखाए, अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान को अर्पण करें। उसके बाद नैवेद्य के बाद जल चढ़ाए, पुंगी फल तांबूल यानी कि सुपारी और पान पत्र भगवान के ऊपर चढ़ाए, दान दक्षिणा चढ़ाए, माता पार्वती का पूजन करें, माता पार्वती को जल चढ़ाए, पंचामृत चढ़ाए, शुद्ध जल चढ़ाए, माता को वस्त्र आभूषण अर्पित करें, अक्षत चंदन पुष्प पुष्पों की माला माता को चढ़ाए, महिलाएं माता को सिंदूर चढ़ाएं, पुरुष माता को चंदन चढ़ाएं, माता को धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल चढ़ाएं, उसके बाद दान दक्षिणा चढ़ाएं, उसके बाद प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें, फिर भगवान की आरती करें। इसी प्रकार भगवान का पूजन करते हुए रात्रि भगवान का कथा श्रवण करते हुए स्मरण करते हुए अगले दिन सुबह उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, भगवान का पूजन करें, उसके बाद गरीबों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव है जो कि थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के ऊपर अपना कृपा दर्शाते हैं। भगवान भोलेनाथ नीलकंठ महादेव स्वयंभू सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार प्रदोष का व्रत 24 फरवरी 2021 दिन बुधवार को किया जाएगा। बुधवार दिन होने के कारण इसे बुध प्रदोष के नाम से जाना जाता है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 24 फरवरी 2021 शाम 6:07 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 25 फरवरी 2021 शाम 5:20। प्रदोष का व्रत 24 फरवरी 2021 दिन बुधवार को किया जाएगा। इस समय प्रदोष काल के समय भगवान शिव का पूजन करें तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। प्रदोष व्रत करने वाले को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन मन में बिल्कुल भी क्रोध ना लाए। प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करे। किसी के प्रति अपने मन में ईर्ष्या का भाव ना रखे। किसी से द्वेष ना करे। महिलाओं का सदा सम्मान करे। अपने से बड़े और बुजुर्गों का आदर सम्मान करे। बच्चों को प्यार दुलार दे तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। जो भी सच्ची श्रद्धा नियम व निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के कृपा से उनके समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।